हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। जी हाँ, आज की जो टॉपिक है हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर क्यूरी के बारे में। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी एसक्यूएल सर्वर के बारे में डिस्कस किया है और आज भी हम एसक्यूएल सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जगदीप जी ज्वाइन करने वाले हैं और ये लाइव बैचेज हैं सुबह के 11:15 बजे का, और आप लोग भी देखिए किस तरीके से हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसका डेमो लेके देखिएगा। डेमो लेने के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जगदीप जी बस आ गए हैं। तो हमने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर लिया है और हम बात कर रहे हैं आज फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ एक न्यू यहाँ पे कोई डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने आईपीटी को सिलेक्ट किया और न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, और न्यू क्वेरी पे यहाँ आपने दिया फिर सिलेक्ट फ्रॉम, जब इसको रन एक्सक्यूट करते हैं तो नीचे आपका डेटा आ जाता है। लेकिन मुझे इसमें सब कुछ नहीं चाहिए, समझ गया? मुझे इसमें बस रीजन चाहिए और रीजन के हिसाब से मुझे रेवेन्यू चाहिए। बात समझ गया जी? यहां क्या करेंगे, यहां देंगे रीजन, कॉमा, आप देंगे यहां पे रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपके सामने रीजन के साथ रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है वो इसमें कई बार रिपीटेड है। जैसे आप रीजन ले लीजिए, अगर कोलोराडो ले लिया या फ्लोरिडा ले लिया, तो फ्लोरिडा कई बार रिपीटेड है। आप यहाँ पिवट की तरह चाहते हैं, जैसे पिवट टेबल चाहता करता है ना, उसी तरह से यहाँ पे सम हो जाना चाहिए। बात समझे? ओके जी। मैं यहाँ पे रेवेन्यू नहीं चाहता हूँ, रेवेन्यू का टोटल चाहता हूं। समझे कि नहीं सर? जी। तो यहां हम जो है रेवेन्यू के जगह पे देंगे सम, ओके, ब्रैकेट ओपन, और सम में हम देंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम सम के अंदर लेंगे। अब सम हो गया, इसके इसका नाम भी तो देना पड़ेगा ना मुझे, सम एज ए कोडर में दे दिया टोटल, समझे? अब इतना करने से नहीं होगा सर, क्यों? अब मान लीजिए इसका मैं टोटल यहां कर देता हूं तो यहां पे एरर आएगा। जब भी सम फॉर्मूला लगता है हमें ग्रुप वाइज देना पड़ता है, समझे? अब मैंने यहाँ पे दिया जी, क्या बोले, क्या देना पड़ेगा सर इसके बाद? ग्रुप वाइज मतलब कि किसके बिहाफ से टोटल करेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। ये टेबल में है ना, आपने टोटल को रेवेन्यू में, टोटल मान लीजिए ना रेवेन्यू को रख दिया आपने वैल्यू फील्ड में, तो रो फील्ड में तो कुछ देना पड़ता है ना आपको सर। दिया ग्रुप बाय रेवेन्यू, तो आप देखिए रेवेन्यू वाइज आपका टोटल आ गया जी। क्लियर है? रेवेन्यू टोटल आ गया है। ओके, अब इसमें आप कंडीशन सर डन करते हैं तो यहां पे आप वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर आप बोलना चाहते हैं तीन लाइक तो आपको टीम बी का मिल जाएगा। ये सर ओके। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये आपका काम हो गया। सम के बाद यहां आप कर सकते हैं काम,
इसमें काउंट आ गया, काउंट ए नहीं होता इसमें सर, याद रखिएगा। एक्स में से काउंट, बोले लोग काउंट ए लगा देते हैं, काउंट ए नहीं होता, काउंट हो गया। काउंट के जगह यहाँ दे सकते हैं मिनिमम, या आपकी मिनिमम आ जाती है। अब आपका आता है मैक्सिमम, यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ जाता है, और फिर इसके बाद आता है एवीजी, मतलब कि एवरेज, एवीजी। एवीजी क्या करता है, एवरेज देता है। तो एक्सप्रेस में तीन फंक्शंस है, एक्सप्रेस सर्वर फंक्शन जो होता है वो क्या है, काउंट सम मिनिमम मैक्सिमम, काउंट सम मिनिमम मैक्सिमम। लगाने का तरीका समझ में आ गया? हाँ जी सर, मैं आ गया मुझे समझ। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम एक ही ले, यहाँ पे हम और भी चीजें ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप बाय क्या होना चाहिए वो यहाँ डिसाइड करना। ओके ठीक है सर। ओके अगर आप ग्रुप बाय नहीं देते हैं तो दिक्कत, ग्रुप बाय और सिलेक्ट, जो हमने रीजन सेलेक्ट किया है ये सेम होना चाहिए ना? जी हाँ, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ग्रुप नहीं, ग्रुप बाय रीजन, मतलब आपको जैसे पिवट टेबल में हम फील्ड में रखते हैं ना, इसके वो बनता है, वो यहाँ आपको देना होता है। अगर आप ऐसा ना देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपके रिपीटेड, अगर रिपीटेड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ okay. क्या हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट, मान लीजिए हमारे पास डेटा देख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार्ट, हमने यहाँ दिया फ्रॉम डेटा, डेटा आ गया। अब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं ये करना चाहता हूं, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स है और ये आपका रेवेन्यूज है, मुझे सेल्स और रेवेन्यूज को डिवाइड करना है, रेवेन्यूज को सेल्स से डिवाइड करना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि पर क्वांटिटी एवरेज प्राइस क्या है, मतलब एमआरपी मुझे निकालना है मान लीजिए। ठीक है जी, मुझे एमआरपी निकालना है किसके प्रोडक्ट, तो यहां पे मैंने दे दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने ब्रैकेट में दिया सेल्स डिवाइड बाय रेवेन्यू डिवाइड सेल्स, रेवेन्यू डिवाइड बाय सेल्स एज एमआर। सर सर, जैसे अभी आपने रेवेन्यू लिखा है, अगर रेवेन्यू की जगह प्रोडक्ट रेवेन्यू कॉलम होता, स्पेस प्रोडक्ट कॉलम स्पेस, तो उसको हम कैसे राइट करते, कैसे लिखते? इसमें बताया था ना, अगर मान लीजिए हेडिंग में अगर स्पेस हो तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर में। ओके समझ गया ना? ठीक है ठीक है। नया सर जी हाँ, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं सर, यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ ग्रुप, ऐसा नहीं कि हम ग्रुप बाय नहीं कर सकते, हम ग्रुप बाय कर सकते हैं, ग्रुप जी ओ यू पी ग्रुप बाय, मान लीजिए मैंने दे दिया प्रोडक्ट, आएगा प्रोडक्ट ग्रुप बाय नहीं आया, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे इसमें अगर सम का वैल्यू देना पड़े, सम देना पड़े, क्योंकि ग्रुप बाय कब लगाते हैं, जब हमारा मैथमेटिक्स, जब हमारा क्या बोलते हैं उसके
सर्वर का फंक्शन लगता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आप ग्रुप बाई देते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को उसकी इसमें कैलकुलेशन वाले फंक्शंस में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम में डाला। ठीक है, समझ गए। तो अपने हिसाब से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना भी लंबी क्यों ना हो आप कर सकते हैं। ओके जी, तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अब इसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, चाहिए मेरे पास एक डेटा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, ये जो हो गया क्वार्टर, क्वार्टर वन का नाम मैंने यहाँ पे सुझा दिया, नीचे तक ड्रैग कर दिया और यहाँ पे हम अपना दे दिया और इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। एसक्यूएल में जाता हूं, टेबल में न्यू टेबल, और कॉलम नेम मैं यहां पे डालता हूं नेम एंटर 50 और क्वार्टर वन यहां पे फ्लोर क्या होता है डेसिमल्स। ओके, यहां पे मैं कर देता हूं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, राइट क्लिक एडिट 2200 सॉरी, और फिर हम डेटा में अपना जो एक्सेल डेटा था उसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी और उसको सिलेक्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा हैंग होगा, इंतजार करते हैं। जैसे सर हम कुछ डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट है जो वो हमारा डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ ठीक आ रहा है, कुछ अगर देख लो 10 डेसिमल आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, तो अगर मैं उसको 2 डेसिमल चाहिए मुझे उसकी, तो कुछ कोडिंग है उसके लिए भी, उसकी फॉर्मेट कोडिंग होगी बताऊंगा, चैप्टर आया बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट सॉरी, यहां से हमें यह हटाना पड़ेंगे, हेलो, यहां पे थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। समझ गए, आ गया। ओब्वियसली वो यहाँ से डेटाबेस नहीं था और मैं यहाँ पे डेटाबेस का पाथ नहीं दिया था, मुझे डेटाबेस का पाथ दे देता तो हो जाता।
ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब मुझे इसमें इसमें चाहिए, मान लीजिए कि मैं नेम चाहता हूं, कॉमा, मैं चाहता हूं पार्टर वन, मैं चाहता हूं पार्टर टू, तीसरा मैं चाहता हूं ग्रो, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। ओके, और यहां एज ए आ गया यहां पे जी आर नाम का डाटा ऐड हो गया सर। प्रॉब्लम यहां पर आपने पूछा कि इसका रिजल्ट जो है इस तरह से आया, हमें इसको परसेंटेज में चाहिए क्या सर? ठीक है, इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे? तो हम यहां क्या लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट अपना नंबर देंगे और यहां पे पी पी फोर परसेंटेज। इसमें मुझे परसेंटेज में डिजिट देना है तो बाय डिफॉल्ट टू डिजिट आ रहा है ना, अगर हम यहां पे पी जीरो कर देते हैं तो नो परसेंटेज, पी टू कर दिया तो यहां पे परसेंटेज आ गया टू परसेंट। ठीक है, समझ गए? कल की क्लास में हम इस सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन के अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे कुछ भेजिए। ठीक है सर, डन डन, ओके बाय।